आजकल आप टाइपराइटर इस्तेमाल नहीं करते हुँ? टाइपिंग के शोर से मेरे ख्यालात की तितलियां हो जाती। अच्छा उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की क्यों नहीं? आप बताइए कैसी लगी स्क्रिप्ट? एकदम बकवास। जब गुलाम थे तो आजादी का ख्वाब देखते थे और अब आजाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखेंगे? तुम बेफिक्र हो, मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखे नहीं मरोगे। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। मंटो साहब, आपकी कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। मैं वही लिखता हूँ जो जानता हूँ, जो देखता हूँ। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। सारी हमदर्दी सिर्फ अपने किरदारों के लिए बचा रखी है। आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं और उनके किरदार। अभी बंद कर रहा हूं। ओके एवरीवन, हेलो। पता चलेगा जब वो लोग वेव करेंगे। I hope they can't hear us because that will be. Of course, they will. Now we are serious. It can be heard. Okay, we're really happy with your own time. And that you can see us. All right, welcome everybody. And as you can see, we have the cast and the team of Manto right over here. So let's say hi to them. Hi, how are you guys doing? कैसा लग रहा है आप सबको उस पार होके और हम इस पार हैं? How does it feel to be there? We are ready to go. We are all here. We are ready to go. Trying to ask a question. Sign language करते हैं. Can you hear us now? Yes, now we can hear you. All right, so how does it feel to be there, all of you, the whole team together? Fantastic! In unison! All right, and are you excited for the screening tomorrow? बट उससे पहले आप लोग यहाँ पे हम लोगों से मिल रहे हैं, इंडियन मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? पूछ रहे हैं कि आप एक्साइटेड हो यहाँ? बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं क्या? मैं तो हूँ। पहली बार फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म भी नहीं देखती है। ऑल राइट, सो नवाजुद्दीन सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म में, अगर हम बात करें, सो हाउ वाज इट एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस फिल्म? एक्सपीरियंस फिल्म का कैसा रहा?
एक्सपीरियंस तो बहुत ही मतलब अच्छा रहा, क्योंकि मुझे ज्यादा बहुत कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज इन्होंने सारा कुछ ये लेडी मंटो थी हमारी तो ये जितना बताती थी उसके हिसाब से पते चले गए। और आप डेफिनेटली माने जाते हैं किरदार में, एकदम आप घुस जाते हैं, तो मंटो बनने के लिए फिजिकली और मेंटल प्रेपरेशन आपको कितना करना पड़ा? मैंने बताया कि आपको प्रिपरेशन तो जो करना पड़ता है वो ही करना पड़ता है, बट मैंने ये था कि एक्चुअली प्रिपरेशन इन्होंने की थी और आई थिंक कोई 3-4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रखी थी इन्होंने मंटो के बारे में, ये मंटो का गुस्सा कैसा था, मंटो कैसे छुपते थे, मतलब यहाँ तक मतलब इन्होंने रिसर्च कर रखा था। मुझे बहुत हेल्प हुई एज एन एक्टर को अंडर करने में। तो आज बिल्कुल उसमें ऐसे घुस गए, जैसे लगता है इनका भी काफी कुछ हिस्सा मंटो जैसा है, कोच गुस्सा, ह्यूमर, थोड़ा एरोगेंस, थोड़ा सेंसिटिविटी, बहुत सारी चीजें। आई थिंक ये भी बहुत ही स्मूथ भी उसमें चले गए, कभी कभी तो इतना ज्यादा कि मंटो में घुस गई थी बिल्कुल नहीं फिल्म के आखिर तक। हाँ मैम फोन करके मुझे कहते थे अब मैं दूसरी कोई फिल्म नहीं कर पाऊंगा, खुद से इतना घुस चुका हूँ मंटो। वेल माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रसिका, how was your experience of working with the entire team? Well, definitely a very very beautiful experience. It's very rare to find projects like this in your career as an actor, and this is really one which I'm going to cherish for a long time. Like Nawaz said, there unlike Manto, there wasn't much in about Safiya, so most of my work was also done by Nandita. She had spent a lot of time with Manto and Safiya's daughters in Pakistan, Safiya's sister in Pakistan, and got a lot of information which is not even in the form of stories that the family shared. So in that sense, the character is well etched out in the script already and a very solid base to begin with. Then when you have co-actors like Nawazuddin Siddiqui, then you don't have to do anything. You just have to sort of give as much as you get. As you can see, we are a mutual admiration society. I know, there's a lot of love we are feeling from that side of the world. Nawaz is just shy, that's why he responds like this, otherwise he knows that I'm being genuine. So you all basically got along and there was no fighting and not getting along on the set then? Sorry, what? Not at all. Did you get along? Were there any fighting at all? No. Not at all, I think we got along too much. All right, I... Tahir, my next question is to you. And I have also stories to tell you all about Nandita and Nawaz. Don't you dare. Tahir, my next question is to you. Yeah. You played Manto's best friend and you actually, your character is also an actor in the film. So how did that work out for you? How was that experience? It was amazing. जब मैं नंदिता से मिला था पहली बार इस रोल के लिए, so she said that he, ये जो शाम है जो सुपरस्टार थे 1940s के, वो मंटो के खास दोस्त हैं, वो एक रोमांटिक था, उसे दारू पीनी अच्छी लगती थी, मजाकिया था और उसे यकीन था कि वो एक स्टार है, तो मुझे लगा कि भाई इसमें कोई एक्टिंग तो जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं, बट इन ऑल सीरियसनेस जैसे कि नवाज कह रहे थे, देयर वाज सो मच रिसर्च डन इन द रोल और इन दोनों का क्या रिलेशनशिप था, कि पहले हफ्ते के अंदर ही जिस तरह का मटेरियल भेजा गया था डायरेक्टर के तरफ से, देयर वाज इट जस्ट मेड द एक्टर्स जॉब रियली एन एंजॉयबल। You know, we are talking about the film so much, yahan pe bahut zyada excitement ho raha hai, so we kind of now want to go and see the teaser and come back and aapse thode aur sawal karna chahte hain, so but I think it's time ke hum yahan pe teaser dekhein, so we should go for that. Perfect. We'll be back with more questions. Sure, thank you. Thank you. Thank you. So then the teaser. अभी बंद कर रहा हूं। ओके, वो इज एज रिलेवेंट इज नॉट मोर टुडे देन ही वाज। ही स्पोक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ही स्पोक अबाउट सेंसरशिप, ही स्पोक अबाउट पॉलिटिक्स एंड सेक्सुअलिटी, एंड दोस इश्यूज आर मोर रिलेवेंट टुडे देन। एंड येट इट्स नॉट अ मेसेजी फिल्म, वी आर नॉट गोइंग टू स्क्रीम ऑल दीस वर्ड्स टू यू, द आइडिया इज टू टेल यू अ स्टोरी
make Manto, we are not putting Manto on a pedestal. He's there with all the good and the bad, with all the fuss, with all his contradictions. But he was somebody who really spoke the truth and despite all challenges. So I think also for young people, I think it's extremely inspirational to see someone put his neck on the line where all of us, to a large extent, are playing safe in our lives. So I think it's a film that there's something for everyone to take. And, you know, I think har insaan mein ek mantoiyat hoti hai. So I'm going to take this point that she made about the youth, which is also part of why I got involved. Does it mean all of us are old? I'm not saying anything. Yes. But considering 50 years of our population is under the 35, you know, it's really interesting because if you sensitize the youth to take on responsibility and give back to society what society has given us, we will truly be the true citizens of our country. And I think it's time we realize that we're indebted to our society. Various means, and like Tahir said, today it's far more relevant in today's times for young people to actually stand up. All over the world, the youth has been a catalyst for change. But today it's time that the youth stand up for what they believe in. Don't just follow, but be the leader of the truth. There you go, Namrata. We have someone here who has a question. And we are in this beautiful land. I don't know how much you can see of it. Where there are these lovely boats and ships and the beach, and it is a haven for cinema. I know in India mostly what, who's wearing what gets reported, but it's a haven for film lovers where they talk about life, about cinema, and they go on yachts for parties, and yeah, and they eat great French food. So, very good, bye. And I don't know whether they know that this is coming from the Sharon Stone suite. Is it? नमस्ते अजीत जी, अनुज्ञा गुजरात मित्र से बोल रही हूँ. अनुज्ञा गुजरात मित्र डेयरी से नहीं आ रही. ચોક્કસ જ ગુજરાતમાં આ ફિલ્મ બતાડવામાં આવશે. મારે તમને એ સવાલ પૂછવો છે કારણ કે તમે ગુજરાત રમખાણો ઉપર ફિલ્મ બનાવી હતી અને રિલીઝ નથી થઈ અને તમે આ વખતે બહુ મોટું રિસ્ક ખેડ્યું છે. એ વાત એ આપણે ક્યારે પછી કરીશું. અરે આજે મંટોનો દિવસ આપવાનો. મંટો માટે જ હું પૂછી રહી છું કે તમે ધાડમાં જબરજસ્ત પરફોર્મન્સ આપ્યો છે. બિલકુલ બિલકુલ, આજે તો હું મંટોની જ વાત કરીશ મેમ. મંટોની જ નવાઝભાઈ ને પણ પૂછીશ. નવાઝભાઈ તો હાફ બરોડિયન છે. કેમ છો નવાઝભાઈ, મજામાં? મજામાં. નવાઝ સર, અજીત સર, નવાઝજી, રસિકાજી ઓર હમારે વર્ષાદાસજી કી બેટી નંદિતા મેમ, આપ સબસે પૂછના હૈ કે અનડિવાઇડેડ ઇન્ડિયા કી એક કહાની હૈ જિનકો હમને મંટો સર કે किताबों के जरिए पढ़ा है. आपको लगता है कि सरहद पार लोग एक्सेप्ट करेंगे इस फिल्म को? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है और आपने रिस्क उठाया है. ये एक इंसान की कहानी है, इसमें कोई सरहद की बात ही नहीं है. सरहद क्या, समुंदर पार हम यहाँ आ गए जहाँ जी यहाँ के लोग. बहुत सारे ऐसे मसले उठाए हैं जो आम राइटर नहीं उठाते हैं. मैं उन सोशल जो मसले हैं उनकी बातें कर रही हूँ. तो किस तरह से हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश का आवाम इस फिल्म को लेगा? दोबारा नहीं तो ये मुझे तो लगता है, मुझे ऐसी कोई मतलब बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, देश के लोग हो, वो नहीं इसको रिलेट कर पाएंगे. मुझे लगता है सब रिलेट कर पाएंगे. अब वो तो दिखाने पे पता चलेगा. सब अपने, जैसे अभी नमिता ने भी कहा कि लोग अलग अलग लेवल पे रिलेट करते हैं, अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करते. नवाज सर, आपने बहुत सारा रिसर्च किया, आपने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी मंटो साहब की, क्या अलग कुछ पाया आपने उन किताबों में?
इन किताबों क्या क्या बताया आपने? देखिए उनकी उनकी तो उनके बारे में जितना भी पढ़ा जाए वो बहुत कम है. मैंने कुछ एक दो उनके प्ले किए थे एनएसडी में, जब मैं एनएसडी से पहले जब मैं थिएटर करता था. और बाकी जो मुझे ज्यादातर जो पता चला उनकी राइटिंग के बारे में और उनके खुद के बारे में, वो ज्यादातर मुझे सब कुछ जो है नंदिता ने बताया. और तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट बना उनकी पर्सनल उनकी जाती जिंदगी में जाने का. मैं उनकी कहानियां पहले से पढ़ा हुआ था, क्या हुआ था, कितने डायमेंशंस थे उनकी पर्सनैलिटी में, वो मुझे इनसे क्या महसूस किया सर. तो ऐसा लगता है कि बायोग्राफिकल आप सर बायोग्राफिकल किरदार निभाने के लिए बने हैं. जी 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 महसूस करता है जिसके अंदर सच बोलने का मादा या सच बोलना वो दुनिया का कोई भी इंसान अगर ऐसा है तो मुझे रिलेट करता है. हेलो दिस इज मिस्टर कीर्ति कदम फ्रॉम इनाडु. मुझे वो मिस्टर अरे मिस्टर अजीत जी प्लीज गो अहेड. सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर I don't think there was any controversy. We made Mary Kom, we made Queen, we made Special 26, oh my god, I can go on and on. Unfortunately, I think our memory is such that we tend to associate something which has possibly been in the news for some reason as the thing. There is a full body of work you've done in Vico controversy, and our films have made a big impact. It's what motivates us to do. I mean, the earlier lady was asking, say, Pakistan or Bangladesh or Hindustan, mein log isse judenge. Already short stories are already so well known. Of course, what the film is trying to tell is his life story. There is a happy issue. Now, you know, so we are here from that lens and we are believing that. Ab, ke baad agar koi aur usko raah pakadni hai, to wo jab aayega tab. You are safe in the country and the people who held it have compromised. I mean, aaj dekhi, aaj jawab pe dekhi, aap spread. दुनिया का सबसे अच्छा सिनेमा दुनिया के सबसे अच्छे सिनेमा से कम्पीट करते हैं. वहाँ आपको वहाँ कंट्रोवर्सी also in the truth
personal battle of being the dilemma. To tell the truth, healing.